अगर पैसे कमाने हो तो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी बुरी नहीं थी। और जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तब कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी, ऐसा नहीं था कि उस टाइम ये था मुख्यमंत्री बनने चला था या कोई पार्टी, कुछ नहीं था, कोई भविष्य नहीं था, केवल देश के लिए जुनून था कि देश के लिए कुछ करना है। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया, मेरा बैंक अकाउंट खाली है, हमारी पार्टी का बैंक अकाउंट खाली है, मैंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, अपनी इज्जत और अपनी ईमानदारी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, 2000 में नौकरी छोड़ के सन 2000 से 2010 तक 10 साल मैंने दिल्ली की झुग्गियों के अंदर बिताए, कुछ महीने दिल्ली की झुग्गियों में जाके रहा, मैं झुग्गी के अंदर, नंद नगरी सुंदर नगरी की झुग्गियों के अंदर मैंने गली गली में खाक छानी है कि गरीब आदमी रहता कैसे, उसके घर का गुजारा कैसे चलता है, अगर पैसे कमाने हो तो इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी बुरी नहीं थी। और जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तब कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी, ऐसा नहीं था कि उस टाइम ये था मुख्यमंत्री बनने चला था या कोई पार्टी, कुछ नहीं था, कोई भविष्य नहीं, केवल देश के लिए जुनून था कि देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करने हैं। 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा दिया था, अपने असूलों के लिए इस्तीफा दिया था, किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था, अपने आप इस्तीफा दिया था। आज के तारीख में, आज के जमाने में कोई अपनी चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता, मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी, अपने आप छोड़ी थी। ना पद का लालच है, ना दौलत का लालच है, केवल देश के लिए कुछ करने का जुनून है, देश के लिए कुछ करने के लिए आए हैं। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए, मनीष जी के ऊपर आरोप लगाए हैं, इस देश का जो सबसे कठोर कानून है ईडी का कानून, पीएमएलए, जिसमें बेल भी नहीं मिलती, बेल मिलनी भी मुश्किल है, उसके अंदर हमारे ऊपर तरह तरह के इन लोगों ने आरोप लगाए हैं, कोर्ट से हमको बेल मिल गई उसके बावजूद, आज की तारीख में आज जो स्थिति है, इससे फालतू कोर्ट और कुछ नहीं कर सकता था, जितना कोर्ट ने कर दिया हमारे पक्ष में।